शिमला जिले की रामपुर पुलिस ने चिट्टे के प्रमुख सप्लायर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस चिट्टा तस्कर की खोज में 5 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी। डीएसपी रामपुर शिवानी महला ने बताया कि संजय बूरिया नामक इस व्यक्ति के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में मामला दर्ज है। संजय के विभिन्न खातों से करोड़ों के लेन देन हुए हैं। उसका एक बैंक खाता सील कर दिया है जिसमें 60 लाख रुपए जमा है। इसका जो मेन नेटवर्क था बेसिकली सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में था। शिमला के जो हमने रामपुर में केसेस रजिस्टर किए थे उसका जब हमने बैकवर्ड लिंकेज बनाया तो उसमें हमें इस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। इसका जब हमने जो हमारे यहाँ पे जो केसेस रजिस्टर्ड थे उन अक्यूज के CDR एनालाइज किया और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक की तो हमें इस बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। तो इससे इन सब के बेसिस पे हमने इसको अरेस्ट किया और फर्दर हमने जब इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन की तो हमें इससे रिलेटेड करोड़ों के ट्रांजैक्शंस मिले जो कि सोलन शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब रिलेटेड टू चिट्टा। कितने साल मीनों से यहाँ पे नेटवर्क चला हुआ है? बेस्ड ऑन आर रिकॉर्ड 3 साल से इसका यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क चल रहा है। आगे क्या कार्रवाई होगी? हाँ जी, इससे रिलेटेड हम लोग इसकी एक हमने ऑलरेडी इसका एक्सिस बैंक का अकाउंट सीज कर दिया है, फ्रीज करवाया है बेसिकली, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर है जो उसके थ्रू हमने फ्रीज करवाया है इसका अकाउंट 60 लाख रुपए जिसमें है। बाकी दूसरे अकाउंट से रिलेटेड हमने लिखा है इसके फ्रीज करने के लिए और बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब चीज़ों पे हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं और जब कंप्लीट होगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी इससे रिलेटेड। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।